দোকানত কিউআর কোড রাখিছে নেকি আপুনি? অনলাইনত পয়সা লয় নেকি গ্রাহকৰ পৰা? তেন্তে সাবধান হওক, আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰিৱৰ্তে আনৰ একাউণ্টত সোমাব পাৰে ধন। কিউআর কোডত চলিছে ভয়ংকৰ জালিয়াতি। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যুগত এতিয়া বেছিভাগ লেনদেনেই অনলাইনত হয়। সৰু বৰ সকলো দোকানতেই কিউআর কোড আনি থোৱা থাকে, কিন্তু এই কিউআর কোডক লৈ চলিছে বৃহৎ জালিয়াতি। গ্রাহকৰ বেখত থকা প্রবঞ্চকে দোকানীয়ে গম নোপোৱাকৈ সলাই থৈ যায় কিউআর কোড। ফলত দোকানীৰ একাউণ্টৰ পৰিৱৰ্তে প্রবঞ্চকৰ একাউণ্টলৈ যায় ধন। শেহতীয়াভাৱে করিমগঞ্জৰ এখন জুৱেলাৰী আৰু এখন মোবাইল দোকানত সংঘটিত হৈছে তেনে এক ঘটনাই। প্রবঞ্চকে সলাই থৈ গৈছিল দোকানীৰ কিউআর কোড। জুৱেলাৰী দোকানৰ এই চিচিটিভি দৃশ্যটোলৈ চাওক। যুবক দুজনে জুৱেলাৰী দোকানত সোমাই এনেদৰেই দোকানৰ কিউআর কোড সলনি কৰি নিজৰ কিউআর কোড লগাই দিছে। এই চিচিটিভি দৃশ্যটো মোবাইল দোকানৰ। ইয়াতো প্ৰবঞ্চকে দোকানৰ কিউআর কোড সলাই দিছে। জুৱেলাৰী দোকানত যেতিয়া গ্ৰাহকে পেমেন্ট কৰিবলৈ ওলাই তাৰ পাছতেই ঘটনা পোহৰ লৈ আহে। দো আদমি আয়া থা আমাৰ দোকান পৰ, ও লোক আকার क्या क्या कर कर चला गया, हमको तो मालूम नहीं पड़ा। एक कस्टमर आया था पैसा देने के लिए, फिर दिखा रहा है कि हमारा स्कैनर पर दूसरा आदमी का नाम आ रहा है। एक नाम आ रहा है जलाल और दूसरा का नाम आ रहा है जहांगीर आलम। और जो कस्टमर पैसा दिया उसने तो देखा इसमें तो लक्ष्मी जनार्दन ज्वेलर्स का नाम तो नहीं आ रहा है, दूसरे आदमी का नाम आ रहा है। तो फिर हमको पता चला कि हमारे स्कैनर के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर हमने देखा कि उसमें एक स्कैन करके ले आया है, जेरेक्स करके एक स्कैनर लगा कर चला गया है। फिर हमने देखा, फिर हमने इसे इधर का रिपोर्टर को बोला है और थाना में हमने एफआईआर किया है। तो देखा जाएगा जब हमारा जो इधर का जो आदमी जो लोग है चार दुकान पर हुआ है और चार दुकान का मालिक भी किया है थाना पर। उसके बाद पुलिस जो करेगा वही देखा जाएगा। दुकान पर फुटेज भी है सीसीटीवी का, सीसीटीवी का फुटेज में भी उन लोगों का चेहरा आया है, वो दिखा जाएगा। গতিকে আপোনাৰ দোকানতো যদি কিউআর কোড লগাই থৈছে তেন্তে সাবধান হওক, অন্যথা মহা বিপদত পৰিব পাৰে আপুনিও। করিমগঞ্জৰ পৰা দীপজ্যোতি দেৱপুৰকাষ্ট ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। দো আদমি আয়া থা আমাৰ দোকান পৰ, ও লোক আকার কিয়া কিয়া কৰ কৰ চলা গয়া, হমকো তো মালুম নহীঁ পড়া। এক কাষ্টমাৰ আয়া থা पैसा देने के लिए, फिर दिखा रहा है कि हमारा स्कैनर पर दूसरा आदमी का नाम आ रहा है। एक नाम आ रहा है जलाल और दूसरा का नाम आ रहा है जहांगीर आलम। और जो कस्टमर पैसा दिया उसने तो देखा इसमें तो लक्ष्मी जनार्दन ज्वेलर्स का नाम तो नहीं आ रहा है, दूसरे आदमी का नाम आ रहा है। तो फिर हमको पता चला कि हमारे स्कैनर के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर हमने देखा कि उसमें एक स्कैन करके ले आया है, जेरेक्स करके एक स्कैनर लगा कर चला गया है। फिर हमने देखा, फिर हमने इसे इधर का रिपोर्टर को बोला है और थाना में हमने एफआईआर किया है। तो देखा जाएगा जब हमारा जो इधर का जो आदमी जो लोग है चार दुकान पर हुआ है और चार दुकान का मालिक भी किया है थाना पर। उसके बाद पुलिस जो करेगा वही देखा जाएगा। दुकान पर फुटेज भी है सीसीटीवी का, फुटेज में भी उन लोगों का चेहरा आया है, वो देखा जाएगा।